लेकर, बट सब लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि ताकि उनका मांगे पूरी हों। जो डिप्टी सीएम के सामने उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं उसके लिए सब लोग आज यहाँ बैठे हैं। अब जैसे कि इन मैडम ने बताया डीएसएसबी ली हैं उन्होंने, अब डीएसएसबी में जो ली हैं वो कोई भी इस फील्ड से नहीं है, सारी जो भी हैं सारी के सारे फ्रेशर हैं, बीटेक एमटेक टेक्निकल एजुकेशन से हैं सारे के सारे, और हम लोग यहाँ पे 20-20, 15-15 और एमटेक टेक्निकल एजुकेशन से हैं। हाँ जी, और हम सब जितने भी हैं यहाँ पे एज आंगनवाड़ी वर्कर से लगे हुए हैं, हमें 15-15, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। इन लोगों को ग्राउंड लेवल पे क्या काम होता है वो सब इनको पता है, और जो ये डीएसएसबी से हैं शायद उनको नहीं पता होगा। कुछ लोग हैं ऐसे जिनको जो इसी लेवल फील्ड से हैं, बट हैं तो सारे फ्रेशर ही, कुछ लोगों ने पढ़ाई की है जो है, बट आधे से ज़्यादा लोग उसमें नहीं है। अब हम लोग क्या कहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स से लगे हुए हैं तो ये लोग ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं उनसे, और कर भी रहे हैं सर। लेकिन मैडम क्या उसमें टेक्निकल एजुकेशन मांगते हैं? इसमें तो एम एस सोशोलॉजी से शायद मांगते हैं। एम एस सोशोलॉजी मांगते हैं, हमने अपने डायरेक्टर साहब को बोला, हमने अपने डायरेक्टर सर को भी बोला कि मैडम ये लोग क्या ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएंगे, वो कहते हैं नहीं ये आपसे मच बेटर काम कर पाएंगे। मैडम अभी बताया कि बड़ी विडम्बना वाली बात है कि सबको टर्मिनेट का लेटर दे दिया, निकाल दिया गया। मैडम ये जो आप यहाँ दिल्ली सरकार के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये तो एक केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को चलाते हैं, तो आपने दिल्ली सरकार को ही क्यों चुना है? सर दिल्ली सरकार जब यहाँ पर आई थी, जब जीत के आई थी, उन्होंने ये बोला था कि हम ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर देंगे। तो जब उन्होंने सबके सामने ये विश्वास दिलाया, सबको ये बोला कि क्योंकि आधे से ज़्यादा क्या दिल्ली में ज़्यादातर लोग ठेकेदारी पर ही काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो जब इन्होंने ये विश्वास दिलाया, लोगों के अंदर विश्वास आया इस चीज़ का, तो जो विश्वास दिलाएगा और जिसके आधार पर आप आए हैं तो उस आधार को तो आपको देखना ही पड़ेगा, पूरा करना ही पड़ेगा, तो उनके पास ही लोग आएंगे, कहाँ जाएंगे। उन्होंने बोला था कि ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करेंगे, तो ठेकेदारी प्रथा कम करो, और उनसे किसी ने भी अनलीगल डिमांड तो मांगी नहीं, किसी ने अलग से तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा था ठेकेदारी प्रथा ख़त्म करेंगे। तो आज आप उनसे मिल क्यों नहीं रहे, आप उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे, उनकी डिमांड को पूरा क्यों नहीं कर रहे, तो आपको आना चाहिए। तो दिल्ली सरकार के पास इसलिए लोग सारे के सारे उनके पास आ रहे हैं, उनसे डिमांड मांग रहे हैं, और हमारे मोदी सरकार वो भी तो यही बोल रही है कि बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे हम लोग, तो बेरोज़गार को ख़त्म करके ख़त्म करेंगे क्या बेरोज़गार? जो लड़कियां कर रही हैं नौकरी कर रही हैं उनको ही फिनिश करोगे आप, तो फिर बेरोजगारी ख़त्म कहाँ हो रही है? ये तो बेरोजगारी को और बढ़ा रहे हो आप, और लड़कियों को सड़क पर ला रहे हो, बेटी बचा रहे हो लड़कियों को सड़क पर ला रहे हो, कैसी सरकार है ये? ये सब मिली जुली है, सब लोग इनको मिलके अंदर बाहर आए, लड़कियों से पूछे तो सही कि यार आप क्यों बैठे हो यहाँ पर, किस लिए बैठे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कुछ आए तो सही, इंसानियत तो दिखाएं। इन लोगों की तो इंसानियत तक मर चुकी है, भूखी प्यासी यहाँ पर बैठी हुई है इतने दिनों से, आके पूछना तो दूर, ऊपर से पुलिस वालों से लड़ाइयाँ उठवाना हटाना 24 घंटे इनको लोगों का ये लगा रहता है, हटो यहाँ से, कभी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, कभी कुछ खड़ी कर रहे हैं यहाँ पर, किसी को ना पानी का ना यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था है, लेडीज़ है कहाँ जाएगी, कहाँ पर बैठेगी, कुछ नहीं। इन लोगों के अंदर बिल्कुल इंसानियत नहीं है कि आके मिलें, बात करें, और इनसे किसी ने भी कोई चीज़ अगर बाहर से कोई चीज़ मांगी हो, कोई ऐसी चीज़ डिमांड करी हो जो इन्होंने नहीं कही हो, बात तो वही कही है जो इन्होंने कहा था कि ठेकेदारी ख़त्म करेंगे, तो क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं ये, क्यों नौकरी से बेरोज़गार बना रहे हैं ये सबको? लेकिन मैडम आपके जो सिलेक्शन हुआ था वो तो ठेकेदार के ही द्वारा हुआ था सर। ठेकेदारी पे जब वो तो 6 महीने के लिए होता है, यानी 7 साल के लिए 8 साल के लिए आप रेगुलर लगाए जा रहे हो, रेगुलर, एक दिन अपसेंड नहीं किया आपने, रेगुलर ये 6 महीने के, जो ये अभी इन्होंने आगे बोला था अभी कुछ लोगों से सीएम जी ने कि 6 महीने से लगी हुई है इनको, मैं पक्का कैसे करूँ, तो 6 महीने का ये साल भर हो गए, 365 दिन, ये तो कानून हमारा कहता है कि 365 दिन अगर आपने रेगुलर कर लिया तो उनको पक्का करना है, वो अपने अधिकार की मांग कर सकती है। तो आज वो अपने ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म करने की मांग कर रही है तो कौन सा गलत कर रही है, वो कर सकती है, उसका अधिकार है, और ये क्यों नहीं करेंगे? और ये तो रोजगार खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये रोजगार को क्यों इनको बेरोजगार कर रहे हैं? ये रोजगार खत्म करें ना, इनको रोजगार दे, ये कहाँ से कम है, पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, इनके पास 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, हर चीज सब चीज में बेटर है, तो ये आगे क्यों नहीं आ रही है, उनको आगे क्यों? आगामी योजना क्या रहेगी आपकी इसको धरने को लेके? सर जब तक ये हमारी डिमांड को पूरी नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे, और हमारी ये अभी तक तो हमने आराम से इनसे रिक्वेस्ट करके अनुशासन के तहत तो वैसे भी हमारी रहेगी, मगर हमने सोचा है अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम यहाँ पे रात और दिन 24 आवर बैठने वाले हैं, ये हम इनको बता रहे हैं, ये इनको हम एक चीज़ चैलेंज भी दे रहे हैं, और हमारे तीज त्यौहार सब कुछ यहाँ से हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि कब तक इनकी इंसानियत नहीं जागती और कब तक ये हमें सड़क पर बैठा सकते हैं अपनी बेटियों को।